तो मैं मीरा के आने पर ही प्लान बनाऊंगी फिर, ठीक है? ठीक है। Here you go. So, क्या सोचा वैक्सीन के बारे में? सोचा मतलब? अरे तू लगवाएगा कि नहीं? मैं तो लगवा रहा हूँ। अच्छा तू लगवा रहा है? क्यों, तुम लोग नहीं लगवा रहे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने डिसाइड नहीं किया अभी। अरे इसमें डिसाइड क्या करना है, वैक्सीन तो लगवानी है। नहीं एक्चुअली हम लोग तो घर पे ही रहते हैं ना, कहीं बाहर नहीं जाते, हमारा इंटरेक्शन ही नहीं है उतना, हम लोग को उतनी जरूरत नहीं है यार, वी आर लो रिस्क। रिस्क लो ही मत। अरे बाहर नहीं जाते हो लेकिन थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो होता ही ना बाहर की दुनिया से। अब ऋषि बाहर जाता है एसेंशियल्स लेने, इतनी सारी डिलीवरीज होती हैं, और मैं भी तो आया हूँ, मुझे क्यों नहीं दिया? तुझ पे तो भरोसा है ना यार, योर फैमिली, फैमिली से थोड़ी कोरोना होता। हम लोग ना सिर्फ भरोसे के लोगों से ही मिल रहे हैं, हमने एक बायो बबल क्रिएट किया हुआ है। इसे बायो बबल नहीं कहते, सोशल बबल कहते हैं। बायो बबल तो आईपीएल ने बनाया था, वो भी फेल हो गया। सीएसके क्या खेल रही थी ना यार। कोविड ये देखकर नहीं होता है कि आदमी भरोसे का है या नहीं, जिसे होना होता है हो जाता है, इसलिए वैक्सीनेट होना इंपॉर्टेंट है। हम लोग की इम्यूनिटी बहुत हाई है यार, हम लोग रोज योगा करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, और काढ़ा तो रोज पीते हैं। दो बार हमें नहीं होगा, ये वैक्सीनेशन जो है ना, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, नॉट फॉर अस। लिसन गाइस, आई विल टेल यू समथिंग, मेरा एक फ्रेंड है, वो ओन्स अ जिम, उसका काम ही है लोगों को फिट करना, 15 दिन हॉस्पिटल में रहकर आया है। अगर उसको कोविड हो सकता है, वो भी इतना सीरियस, तो तुम्हें नहीं हो सकता? ये वो मनोज है क्या? या बेबी वो तो सुपर फिट है यार, आई मीन क्रॉस फिट करता है, इतने वेट्स उठाता है, ही स्विम्स फॉर लाइक 2 आवर्स, उसको हो सकता है तो हम लगवा लें क्या? हाँ यार सोच लेते हैं फिर इस बारे में। क्या बात कर रही है यार, सीरियसली हॉस्पिटल में? अरे बट क्या, चल माय बेस्ट विशेस बेबी। वो सोनिया है ना, उसके एक अंकल हैं, वैक्सीनेशन के दोनों शॉट ले चुके थे और कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वन मोर मतलब? अरे दुनिया भर में ये हो रहा है यार, ये देखो स्विट्जरलैंड में 134 पीपल हैव टेस्टेड पॉजिटिव आफ्टर टेकिंग बोथ शॉट्स ऑफ द वैक्सीन। रियली? अरे यार इसका मतलब तो वैक्सीन काम ही नहीं कर रही। इसका मतलब वैक्सीनेशन कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना होगा ही नहीं। तो अगर ऐसे भी होना है और वैसे भी होना है तो कैसे भी हो जाए यार, क्या फर्क पड़ता है? मैं बता रही हूँ, इम्यूनिटी इज द मेन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है अपनी। काढ़ा बनाया? अरे हाँ बनाया था, पीना तो भूल ही गए, मैं लाती हूँ। और बेबी हमारा अश्वगंधा का स्टॉक खत्म हो गया है, आई थिंक वी शुड कॉल फॉर दैट एंड गिलॉय। अच्छा तो तू लगवा रहा है? यार इतनी मुश्किल से तो स्लॉट मिला है, ऑफ कोर्स लगवा रहा हूँ मैं। अरे ये जो वैक्सीनेशन है ना, तो वैक्सीनेशन के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं फर्स्ट फ्यू डेज, लाइक हेडेक, फीवर, हाई फीवर। पर ये सब तो नॉर्मल है ना, किसी भी वैक्सीनेशन के बाद थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। इट ओनली मीन्स द वैक्सीन इज डूइंग इट्स जॉब। और तुम लोगों को तो पता होना चाहिए यार, जहान के वैक्सीनेशन के टाइम डॉक्टर बोलता होगा ना कि 1-2 दिन फीवर आ सकता है। वो वैक्सीनेशन तो अलग टाइप की होती है यार, ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। इस वैक्सीनेशन से तो कितने लोगों को ब्लड क्लॉट्स वगैरह भी हो गए हैं। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी रिसर्च है इसके पीछे, मैंने सारे वीडियोस देखे। हाँ। किसकी रिसर्च है? WHO, ICMR, WhatsApp, WhatsApp पे वीडियोस हैं, वेरीफाइड, तुझे फॉरवर्ड करता हूँ। WAU, WhatsApp यूनिवर्सिटी, और उस WhatsApp यूनिवर्सिटी के तुम लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, सारे फॉरवर्ड्स देखते हो, बिलीव भी करते हो, आई एम श्योर फॉरवर्ड भी करते होगे। हाँ ऑफ कोर्स यार, वी वांट सबका भला ना, इट्स फॉर एवरीबॉडी इज गुड इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, वी आर ऑल इन इट टुगेदर। कम ऑन गाइस, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए यार, WhatsApp पर हर फॉरवर्ड सच नहीं होता है, हर चीज पर बिलीव मत कर लिया करो। और जब तुम लोग भी वैक्सीन लगवाओगे ना, Be prepared. थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे, 1-2 दिन फीवर आ सकता है, it's okay. अच्छा तू काढ़ा पी? काढ़ा अच्छा है वैसे यार, किसने बनाया? मैंने बनाया है, मेरी एक आंटी है, पद्मा आंटी, उन्होंने मुझे रेसिपी भेजी थी व्हाट्सएप पे। ये वो रेसिपी है जो कंगना मासी ने मुझे भेजी थी, मैंने तुम्हें फॉरवर्ड की। नहीं बेबी ये वाली मैंने तुम्हें भेजी थी। नो बाबा, ये मैंने भेजी थी जो तुमने मम्मा को भेजी, जो पद्मा आंटी को भेजी, फिर तुम पे आ गई घूम फिर के व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कुछ तो फायदे हैं। बहुत कंफ्यूजन है बेबी, बहुत कंफ्यूजन। एक बार में डिसाइड कर लेते हैं, लगवाना है कि नहीं लगवाना है, सही है कि गलत है, प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक तो हम मास्क पहनना बंद कर सकते हैं, बहुत सफोकेटिंग हो जाता है यार, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। और पता है कितने टाइम से मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, मेरी लिपस्टिक्स बड़ी बड़ी एक्सपायर हो गई हैं, और कपड़ों के साथ मैच नहीं होता है, टोटली किल्स द होल फैशन वाइब, यू नो। मास्क तो वैक्सीनेशन के बाद भी पहनना पड़ेगा। ओ चलो एटलीस्ट
सोशल डिस्टेंसिंग से तो छुटकारा मिल जाएगा, हम लोग बाहर जा पाएंगे, पार्क्स में, मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में जहान को लेकर, दैट्स अ बिग प्लस। सोशल डिस्टेंसिंग तो वैक्सीनेशन के बाद भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, एटलीस्ट सैनिटाइजर यूज करना बंद कर सकते हैं यार, मेरे हाथ देखो। मैं हाथ कैसे देखूं, मैं कोई ज्योतिषी हूं? अरे टच करके देखो कितने रफ हो गए हैं। हां बहुत रफ हो गए हैं अभी। ऑल बिकॉज़ ऑफ सैनिटाइजर। और इतने सारे मल्टीविटामिन्स जो हम खाते हैं, जिंक, विटामिन सी और काढ़ा, मैं तो पक गई हूं काढ़ा पी के यार, एटलीस्ट वो सब बंद कर सकते हैं। ये सब तो वैक्सीनेशन के बाद भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके चलो, एटलीस्ट हम लोग किसी और को वायरस ट्रांसमिट नहीं करेंगे, जहान बचा रहेगा वो ही बहुत बड़ी बात है यार। That's enough. Carriers तो हम वैक्सीनेशन के बाद भी रहेंगे बेबी। यार, अगर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी कुछ बदलने नहीं वाला, तो फिर हम लगवा क्यों रहे हैं? Exactly. नहीं यार, मुझे नहीं लगवानी, छोड़ो। ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो कैसे भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? Exactly. मैं कह रही हूँ इम्यूनिटी सब कुछ है आज की डेट में, बस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है, that's it. काड़ा? लेके आते। Yo. Hi. अच्छा सुनना, ये मेरा रिटर्न पार्सल है यार, ये मैंने कुछ मंगाया था, तू देख ले, ये मैं डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वो बोल दूंगा, वो तेरे यहाँ से कलेक्ट कर लेगा, ठीक है? श्योर, तू कहाँ जा रहा है? अरे मेरा वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज है ना आज। अच्छा, मतलब तू सच में लगवा रहा है? नहीं, मैं बस वहाँ घूमने जा रहा हूँ, लोगों को हाई फाइव दे के वापस आ जाऊँगा। हाई फाइव के लिए इतना दूर जाएगा यार, इट्स क्वाइट रिस्की। तू पागल है क्या यार, इतनी बार तुझे बोला कि मैं वैक्सीन ले रहा हूँ, अब स्टैम्प पेपर भी लिख के दूँ क्या? तू बैठ। अरे हुआ क्या? अरे तू बैठ ना, रोहिणी, रोहिणी जल्दी आओ, जल्दी। ओ हाय। हाय। ये जा रहा है। ओ ओके, बाय। वैक्सीन लगवाने जा रहा है। तुमने बताया नहीं इसे? क्या नहीं बताया? यार ये जो वैक्सीनेशन है ना, ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। 5-6 महीने में हम सब मतलब क्या बोल रहा है यार? आई नो यार, समझाओ जरा इसको, पता नहीं क्या रट लगाई हुई है इसने। अरे मैं बताती हूँ, मरने वरने नहीं वाले हैं, ये जो वैक्सीनेशन है इसके थ्रू ना हम सबकी बॉडीज के अंदर एक सीरम डाला जा रहा है, उस सीरम से वो हमेशा हमें देख सकते हैं, हमारा हर मूव मॉनिटर कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं, और पता है यहाँ तक कि हमारे ब्रेन को ऑल्टर कर सकते हैं, डिसीजंस बदल सकते हैं। अच्छा, जैसे वो 2000 के नए नोट में चिप लग कर आने वाली थी टू एंड द ब्लैक मनी, वैसे कुछ? हाँ, लेकिन वो सब तो रूमर्स थे। ये भी रूमर्स हैं, असल बात तो ये है, वी आर पार्ट ऑफ अ जायंट एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल। अरे यार, लेकिन हमको रोबोट बनाया जा रहा है बेबी। अरे बचेंगे तो बनाएंगे ना रोबोट, मार के क्या मिलेगा उनको? मार के मतलब, अरे स्टॉप इट गाइस, कहाँ से लाते हो तुम लोग ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? खुफिया एजेंसीज में तुम्हारे रिश्तेदार बैठे हैं क्या? अरे कॉन्स्पिरेसी समझ नहीं आए? अरे पर इस बात का तो मैं नहीं, ठीक है मैं समझ गया। तेरे हिसाब से जो भी वैक्सीन लेगा वो मर जाएगा, और तुम्हारे हिसाब से उन सबको कंट्रोल किया जाएगा। हाँ। कौन करेगा कंट्रोल और कौन मारेगा सबको यार? कम से कम खुद सुन तो लिया करो जो बोलते हो, इजंट इट अनबिलीवेबल? मैं वैक्सीन लेने जा रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन दीज रिडिकुलस थ्योरीज। ये सब तुझे साइंस फिक्शन लगता ना? ठीक है, बैठ 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 बैठ, मैं तुझे साइंस समझाता हूँ। हाँ हाँ, वो वाली थ्योरी समझाओ, ऐसे ये समझेगा। एंड दिस थ्योरी इज वेरीफाइड बाय टू एक्सपर्ट्स, आर टू। ये जो वैक्सीन है ये कोरोना के एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स को फाइट करता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसे हजारों स्ट्रेन्स को फाइट कर सकता है, लेकिन जैसे ही हमने ये वैक्सीन हमारे सिस्टम में डाली, हमारा इम्यून सिस्टम पुस। और मैं बता रही हूँ, इम्यूनिटी सब कुछ है आज की डेट में, बस इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है। काढ़ा पिलाओ। हाँ, काढ़ा लाती हूँ। एक मिनट रुको, प्लीज। आई नो काढ़ा बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है काढ़ा पीने का, मैं आकर पीता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, तुझे वैक्सीन लगवानी है लगवा ले, कम से कम बेस्ट का तो वेट कर। हाँ। अगले महीने रशियन वैक्सीन आ जाएगी, वो लगवा लेना। हाँ, और उससे भी बेटर है ऑस्ट्रेलियन वाली, उसकी तो 100% एफिकेसी है, उसका वेट करो। और देख, तब तक और डेटा आ जाएगा, तू अपनी रिसर्च करते रहे साथ साथ। हाँ, और बाकी लोग लेंगे ना वैक्सीन, उन पे आफ्टर इफेक्ट्स देख लेना, फिर लगवाओ। गुड आइडिया। आई सीरियसली डोंट बिलीव यू गाइस, अगर वैक्सीनेशन के आफ्टर इफेक्ट्स देखने हैं तो ये इसको देखो ना, बस 60% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, बहुत सारी चीजें नॉर्मल भी हो चुकी हैं, आउटडोर्स में तो मास्क भी मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हारी तरह ही हर इंसान सोचेगा तो वैक्सीनेशन लेगा कौन? हमारी कंट्री में सब कुछ नॉर्मल कैसे होगा? अगर कुछ होना होता ना तो अभी तक हो गया होता। सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स सब वैक्सीनेट हो चुके हैं, कब के? तुम लोग तो पढ़े लिखे हो यार, तुम लोग अगर इतनी सिंपल सी बात नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आई एग्री, वैक्सीनेशन से 100% गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा,
लेकिन कम से कम सीरियस कोरोना तो नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं होगा, वेंटिलेटर से तो बच जाएंगे, नॉर्मल फ्लू होकर निकल जाएगा यार। बेसिकली वैक्सीनेशन हमें मारेगा नहीं बल्कि मरने से बचाएगा। अगर तुम लोगों को वैक्सीन लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो। लेकिन मैं जा रहा हूं और जो भी वैक्सीन अवेलेबल है ना वही बेस्ट है मेरे लिए। ओके सो बुक कर लें स्लॉट। आई थिंक कर लेना चाहिए, इतनी पैशनेट स्पीच दी ना, रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालेंगे ना वायरल हो जाएगी। हाँ यार, है ना, वी कैन इन्फ्लुएंस एवरीबॉडी ऑफ व्हाई टू टेक वैक्सीन। दोबारा कर पाएगा क्या वो? नहीं, एक्टिंग कैसी करता है, आई डोंट नो।